केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले महानगर के विक्टोरिया मेमोरियल और इंडियन म्यूजियम सहित 4 संग्रहालयों को 10 दिसंबर से फिर से खोलने की घोषणा की है। महामारी के कारण ये संग्रहालय करीब 8 महीने से बंद है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मार्च में घोषित लॉकडाउन के बाद से ही संग्रहालय बंद पड़े हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में बना विक्टोरिया मेमोरियल कोविड-19 के मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ खुलेगा। विक्टोरिया मेमोरियल के क्यूरेटर जयंत सेन गुप्ता ने कहा, आगंतुकों को प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमति दी जाएगी। QR कोड वाले टिकट की ऑनलाइन बिक्री होगी, लेकिन जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होंगे उन्हें काउंटर से टिकट दिया जाएगा। बहरहाल हम लोगों को ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार में लॉन में 500 लोगों को जाने की अनुमति होगी और संग्रहालय के अंदर 200 से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। सेनगुप्ता ने कहा कि संग्रहालय का दौरा करने वाले लोगों को सैनिटाइज, थर्मल स्क्रीनिंग और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। किसी को भी बिना मास्क के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।